शील चौराहे पर बस यात्रियों को होने वाली परेशानी को लेकर मुंब्रा प्रवासी संघ ने फिर से उठाई आवाज। किस तरह की परेशानियां, सुनिए बस यात्रियों की जबानी। रवि कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शील चौराहा कामकाजी लोगों के लिए, व्यापारी तबके के लिए, आवागमन के लिए एक बहुत बड़ा एक ये सेंटर बन चुका है, एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु यहां पर यातायात का बन चुका है। मगर यहां पर ठाणे महानगर पालिका किसी तरह का कोई ध्यान देने तैयार नहीं है। सरकार और शासन आपल्या दारी आपल्या चरणी वगैरह जो कुछ भी है वो यहां कुछ भी काम नहीं आ रहा है, क्योंकि दो वर्ष से यहां लगातार एक बड़े बस स्टॉप शेड की मांग हो रही है, जिसे ठाणे मनपा द्वारा और उसके परिवहन व्यवस्था द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। बसें जो आती है केडीएमसी की और एनएमएमटी की, नवी मुंबई महानगर ट्रांसपोर्टेशन, कल्याण डोंबिवली महानगर कारपोरेशन का ट्रांसपोर्टेशन, ये यहां की बसें ज्यादातर यहां से चलती है। टीएमटी की बसें जो है वो काफी सिर्फ अंतर्गत टीएमसी की हद में चलती है। तो ये दो बस सेवाएं कल्याण डोंबिवली से होते हुए नवी मुंबई तक, नवी मुंबई से होते हुए कल्याण डोंबिवली और मुंब्रा तक, ऐसी जो है बस सेवा चल रही है उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिल नहीं पा रहा है। काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे मुंब्रा प्रवासी संघ के रफीक शेख है, उन्होंने यहाँ के पूरे हालात पर और पूरी व्यवस्था पर रोशनी डाली है। उसके बाद यहाँ से रोजाना बस से और ऑटो रिक्शा से, मजबूरी में बस न मिलने पर ऑटो रिक्शा से यात्रा करने वाली जो महिला यात्री है, जो छात्र है, कामकाजी लोग है, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने क्या रोशनी डाली है देखिए। रफीक भाई, ये मुंब्रा प्रवासी संघ जो बना था, आप उसके मेंबर हो और आपने आज हमें यहाँ सिलफाटा जंक्शन पे बुलाया है। जैसे ये जितने लोग सर्विस पे जाने वाले खड़े, इसमें कॉलेज जाने वाले कितने खड़े, कितने हॉस्पिटल जाने वाले खड़े, तो ये रोज बस के लिए परेशान होते, इन सारी बातों को लेके आप क्या खुलासा करना चाहेंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि स्टेशन की तरफ अगर आप जाओगे, मुंब्रा रेलवे स्टेशन की तरफ, तो 8 से लेकर 9, 9:30 ये जो टाइम एकदम पीक आवर्स है। तो अभी क्या है, जब से कुछ हमारी कोशिशों से, हमने 1-1.5 साल से लगातार एक मुसलसल कोशिश की है, तो उसमें हमने आवाज़ उठाना चालू की। सबसे पहली मीटिंग हमने अबू आशिम आजमी से की थी इस बारे में, लॉकडाउन के टाइम पर। तो वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ, तो एक बसेस जो है यहाँ पर थोड़ा फ्लो आना चालू हुआ। अब क्या है, लोग यहाँ पे डाइवर्जन समझ चुके, जो लोग हैं वो डाइवर्जन समझ चुके, जिनको वाशी बेलापुर जाना है, अब वो थाना ना जाते हुए वो सिलफाटा की तरफ से जाना चाहते हैं। तो अब हमारे पास सुविधा जो है बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है, जैसे खवातीन है, बच्चियाँ हैं जो काम करने के लिए निकलती है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, और जो एवरीडे के जो रोज़मर्रा के लोग जो है वो यहाँ से जाते हैं। पर आप देखोगे कि सिलफाटा जंक्शन ऐसा बन गया है आज की तारीख में कि यहीं के लोगों को सुविधा नहीं है। कल्याण से जब बस चलती है तो सिलफाटा पे चढ़ने के लिए जगह नहीं बचती, डोंबिवली से जब बस चलती है तो यहाँ पे आप इसे चढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती, दीवा की जो बस आती है उसमें कभी कभार कोई मिल गया जगह तो चढ़ने को मिल गया, अदरवाइज मुंब्रा से भी जो आती है उसमें भी नहीं मिलती है। आपके पास आज पूरा लाइव क्लिप्स है, उसमें आप देख सकते हो। और ये जो बसें भरी होती है तो इस तरह से लटक के जाते हैं बस में, विच इज़ नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। ये पैसा दे के लोग, ये यात्री चढ़ रहे हैं, इस तरह से जाना इनका सही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे टीएमटी, एनएमटी, इन्होंने इस सुविधा को बढ़ाना चाहिए। हमने एनएमटी को भी ये कंप्लेंट डाली थी बीच में, तो उसमें उसने एक बस कम कर दिया है, जो मॉर्निंग पीक आवर्स में जो हमारा वाशी का बस जाता है उसमें एक बस कम कर दी गई है। एक बस का लोड मतलब ये होता है कि सर करीब 120 लोग, हालांकि पैसेंजर कैपेसिटी इज़ अराउंड 68-90, बट अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं 120-150 लोग एक बस के अंदर जा रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम इट, जैसे बारिश आता है, बारिश का वाटर लॉगिंग थोड़ा बहुत भी हुआ, ये रिक्शा वाले भी नहीं रहते यहाँ पे, ये रिक्शा वाले भी नहीं रह गए यहाँ पे, और कोई बस किधर फंस गई तो यहाँ पे आधा आधा घंटा आदमी खड़ा रह जाएगा। दूसरी बात, कुछ बसें ऐसी हैं जो सुबह के टाइम पर चलाई जाती है, वो आगे जाके मापे के रोड पर जाके ख़त्म हो जाती है, मापे के रोड पर जैसे चढ़ी तो वहाँ पर बंद होकर खड़ी हो जाती है, और बीच में आदमी वो खड़ा कर देती है। तो ऐसी बसेस भी बंद कराना चाहिए, ये सारी सुविधा है ना, सुविधा बन गई है मुंब्रा के लिए। मतलब आप ये कितने साल से देख रहे हैं ये हाल? हम लोग अभी जो है, हमारा जो मुंब्रा प्रवासी संघ है जो है, 1.5 साल 2 साल के करीब हो गया हम लोगों को, हम लोगों ने लॉकडाउन से शुरू किया था। पर ऐसा है कि मैं हूँ रफीक शेख, प्रेसिडेंट, नाजिम अंसारी वाइस प्रेसिडेंट,
एडवोकेट अब्दुल्ला पठान, हमारे साथ हमारे मेंबर है आरिफ पटेल, ये सब लोग जो है मिलके फिर उसको जो है उठाए आगे इस काम के लिए। और ये कम्यूटर्स का सेक्शन इतना बड़ा है कि इससे हमारा जो सिटी है, शहर है, उससे हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें जुड़ी है। हम सोचते हैं ना कि आज बच्चा ड्रग्स में मुब्तला हो रहा है, आज बच्चा इसमें जा रहा है, तो अगर इनको ये काम के लिए जरिया मिल जाएगा, बाहर जाने का शहर का एक सुविधा मिल जाएगी, तो बच्चे ऑटोमेटिकली अच्छी जगह पे काम करने जाएंगे, मुमरा के मुमरा में ना बैठेंगे, दो पैसे मिलेंगे, उनको समझ में आएगा कि बाहर कैसे लोग हैं, कैसा काम करते, ये सारी चीज़ें एक्टिविटी में आएगी। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम? विजय। विजय भाई, आप डेली यहाँ सिलपटे से सफ़र करते हैं? डेली सफ़र करते हैं। यहाँ से कहाँ जाते हैं आप? तो इधर जो बस की टीएमटी की जो सहूलियत है वो बराबर नहीं है क्या? नहीं, बराबर नहीं है। और कल्याण से जो भी बस आता है वो भी भर के आता है, और मुमरा से भी जो बस आता है भर के आता है, दीवा से भी जो आता है बस वो भी भर के ही आता है, तो चढ़ने को मिलता नहीं है, और लटकने लगे मुश्किल से एक जन दो जन चढ़ जाते हैं। डेली का यही मामला, मतलब यहाँ से कोई खाली बस आती नहीं है, और यहाँ से जो सर्विस पे जाने वाले वो डेली ऐसे ही परेशान है। इसकी वजह से सब दिक्कत बहुत हो रहा है। क्या नाम है आपका? इफाद भाई, ये जो आप सिलपटे से यहाँ से ट्रैवल कितने साल से कर रहे हैं? एक डेढ़ साल होने को आ गया मुझे ट्रैवलिंग करने में। सिलपटे से आप किधर जाते हैं? 12 तब तक जाता था, मैं कोपरगना जाता था, अभी तो सीवुड़ जाता हूँ, तो वही बस से ट्रैवल करो। यहाँ से बस की सहूलियत कैसी है? वाहियात है सच कहूँ तो, ना टाइमिंग में कभी बस आता है, जो ऐप जो लोग का दिया है NMT उसमें जो टाइमिंग दिया तो कभी भी नहीं आएगा, फॉलो ही नहीं करते हम तो ऐप। अच्छा, टाइम पे कभी नहीं? कभी नहीं, कभी नहीं। और बस जो आता है वो खाली रहता है या भरा हुआ? अभी कैसा है टाइमिंग के हिसाब से रहता है, एकदम मॉर्निंग मॉर्निंग आओगे सबसे कि 6 बजे तो खाली मिलेगा, बाकी 9 AM से लेके रात के 10-10:30 बजे तक भी रश ही रहता है, और दोपहर के टाइम तो बस ही नहीं आती है, बहुत रेयरली मिल गए तो मिल गए। यही हाल है डीएम, यही हाल है। फिर कभी TMT में नहीं मिलती है तो आप यहाँ से कैसे जाते हैं कॉलेज? रिक्शा करना पड़ता है या फिर पर्सनल व्हीकल ये प्रीफर करता हूँ, पूछ भी जाता है। मेरा नाम गजाला है। गजाला जी, ये सिलपटे से आप जो बस के लिए अभी आप यहाँ खड़े हैं, तो आप कब से सफ़र कर रहे हैं यहाँ से? दो साल से ज़्यादा हो गया इनफैक्ट, तो बसेस लेट भी आती है, प्लस है ना यहाँ पर जेंट्स इतने रहते हैं कि चढ़ने नहीं मिलता है हम लोग को, और 66 जो है घनसोली, अभी मेरा ट्रांसफ़र हुआ है तो घनसोली जाने के लिए बस का फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, एंड ऑल्सो हम लोग को चढ़ने नहीं मिलता है, लेडीज़ बहुत प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, मतलब ये डेली यही हाल है, डेली रूटीन। और ऑटो वालों को खड़े रहने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से मतलब ऑटो वाले रेडी नहीं होते, तो आगे चल के कैसे लेंगे ऑटो। हमने ये भी सुना है कई ऑटो वाले जो है रिक्शा चालक, ये अपने मनमानी भाड़ा भी बताते हैं, मतलब जैसा भाड़ा तो फिक्स ही है जो है उन लोगों को वो देना ही है, एंड दूसरी चीज़ ये है कि ऑटो वो रहता नहीं है इधर, चढ़ने नहीं मिलता है, या तो जो रहता है वो इतनी जल्दी भर जाता है कि लेडीज़ लोग को चढ़ने नहीं मिलता है, तो डेली ऑफिस में जाने में लेट तो होता ही है, प्लस बस का फ्रिक्वेंसी नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम है ट्रैवलिंग को लेकर, अगर थोड़ा कन्वीनियंट मिले तो अच्छा होगा।